हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 4। तो चलो शुरू करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर। लॉन्ग एंड शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है लेंथ मेजरमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने के लिए लेंथ की, वो है, वो क्या है वो लिखनी है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर, 1 मीटर इंटू इन सेंटीमीटर ये लिख देंगे। तो अब ये करते हैं इसके आंसर। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू इन मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। क्या लिखना है आपको यहाँ पे 1000 मीटर। कितना लिख देंगे बच्चे आप? 1000। फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। माई फादर वे हाइट इज 135 सेंटीमीटर, देन इट इज डैश इन मीटर्स। अगर उसके पापा की जो हाइट है वो 135 सेंटीमीटर है तो वो कितने मीटर की है? तो अब आपको लिखना है यहाँ पे 1.35 मीटर्स। 1.35 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये कर देंगे। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ माई स्कूल टू होम इज 2 किलोमीटर, देन द डिस्टेंस इन माई इन मीटर इज। अगर मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है मेरे घर से, तो फिर जो डिस्टेंस है वो मीटर में कितना होगा? तो सिंपली आंसर है 2000। कितने होगा? 2000 मीटर। 1000 मीटर। राइट अ सुटेबल यूनिट सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर टू मेजर द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम। हमारा जो स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। जिनका पास है वो मीटर लिखेंगे, जिनका दूर है वो किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली हमारा किलोमीटर में ही डिस्टेंस होगा, बट किसी किसी का मीटर में भी होता है, तो कुछ भी लिख सकते हो डिस्टेंस। हाइट ऑफ अ ट्री। जो ट्री की हाइट होगी वो हमेशा मीटर में होगी, किलोमीटर में नहीं होगी। लेंथ ऑफ योर पेंसिल। लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी हमारी पेंसिल की। किस में होगी? सेंटीमीटर में। किस में होगी बच्चे? सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट, ये भी सेंटीमीटर। कितने? सेंटीमीटर में। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बस ट्रेवल्स। जितना बस चलती है ये किलोमीटर में होगा, क्योंकि बस कभी भी पास दूरी के लिए नहीं चलती, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाके रुकती है। जितने भी जो बस स्टॉप होते हैं वो हर 2-3 किलोमीटर दूर पर होते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ योर सिस्टर, ये आप लिखेंगे मीटर में। किस में लिखेंगे आप? ये मीटर में। नहीं सॉरी, हाँ मीटर में भी, मीटर भी लिख सकते हो सेंटी, वैसे तो मीटर में होगी। ठीक है, तो बाद में लेंथ ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड की लेंथ हम किलोमीटर में भी होगी कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों के मीटर में भी होगी। जैसे कि जो मेरा स्कूल है उसकी किलोमीटर में लेंथ है, वो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है उसका। ठीक है, 5 ट्रेन्स रैन अराउंड अ ट्रैक। 5 ट्रेन्स रैन अराउंड अ ट्रैक विच इज एज शोन बिलो। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाई ईच ट्रेन आर एज फॉलो। 5 ट्रेनों ने ट्रैक के ऊपर चली, उसको जो चार्ट है कितने राउंड किसने काटे वो लिखा है। ट्रेन 5 तक है, 4, 5, 3, 6, 2। ठीक है, वाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन 3। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 5 to 1000 हो गया यहाँ पे 1000, और यहाँ पे 300 equals to 600। ठीक है, तो ये जो टोटल ये आएगा 1600 है ये। अब हमें ये चेक करना है, ट्रेन जो 3 है उसने 3 राउंड काटे। तो यहाँ पे हम थोड़ा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1600 into 3। ठीक है, 3 0 0 0 3 0 0 6 3 0 10 का 8 1 गया कैरी, 3 1 3 + 1 4 4 8 0 0 वो चली 4 8 0 0 मीटर वो चली। तो
यहाँ पे आप लिख देंगे 4800 मीटर, यहाँ 4800 मीटर आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप 4 किलोमीटर एंड फोर, ये ना 800 मीटर, 800 मीटर, ठीक है। Whose train ran in the minimum distance and how much? किसकी ट्रेन कम से कम चली और कितनी कम चली? तो ट्रेन फाइव, कौन सी ट्रेन? ट्रेन फाइव, कौन सी ट्रेन? ट्रेन फाइव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन टू एंड ट्रेन फाइव? अब देखिए, ट्रेन टू जो है, ट्रेन टू चली है 5 राउंड और ट्रेन फाइव चली है 2, तो 2 और 5, तो सबसे पहले हमें इसको 5 × 1600 करना होगा। कितना करना होगा? 5 × 1600, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 × 1600, कितना? 5 × 1600 आंसर आ जाएगा 5 × 0 = 0, 0 × 30 = 0, 3 = carry, 5 × 1 = 8, 8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, 8 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो जो ट्रेन टू है वो कितना चली? 8 किलोमीटर। अभी हम आगे रफली लिख लेते हैं 8 किलोमीटर। ट्रेन फाइव ने कितने राउंड काटे? 2, तो ये कितना चली? 1600 × 2, 2 × 0 = 0, 0 × 6 = 12, 2 × 1 = carry, 2 × 1 = 2, 1 = 3, 3 × 2 = 0, ठीक है। ये चली कितना? 3 × 2 = 0। तो अब हमें क्या करना है? 8000 − 3 × 0 कितना? 3 × 0, 0 में से 0 गया 0, 0 10 में से 2 गया 8, फिर बाद में जब इधर 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, 4800 विल बी द आंसर, 4800 विल बी द आंसर, ठीक है। डिफरेंस पूछा है कितना, तो कितना? 4800 आंसर होगा, 00 मीटर। और कौन ज़्यादा चली? तो ट्रेन टू ज़्यादा चली, ट्रेन टू ज़्यादा चली, ठीक है। अब आ जाते हैं, स्कूल टीचर मेजर द हाइट ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट, रीड द हाइट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चीनों की इतनी है, इतनी इतनी इतनी, ये सब पढ़ लेंगे आप शुरू में। हु इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास? शॉर्टेस्ट है सबसे ये 120 वाला, कौन? 120, ठीक है। कौन है 120 वाला? रवि। कौन है बच्चों 120 वाला? रवि। कौन है? रवि 120 वाला है। तो कौन सबसे छोटा होगा? रवि। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है यहाँ पे अज्जू। कौन है बच्चों? अज्जू। कौन है? अज्जू, ठीक है। राइट द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज हाइट आर लेस देन 135 बट मोर देन 145। 135 एक तो डॉली और चीनू का आपस में नाम लिखेंगे। किस किस का लिखेंगे बच्चों? डॉली और चीनू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोनू एंड रिंकी? सबसे पहले हमें क्या करना है? सोनू और रिंकी की जो हाइट है, सोनू की 126 है, रिंकी की 150 है, तो इनको हम माइनस करेंगे। 150 − 126 क्या कर देंगे बच्चों? 150 − 126, 10 में यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 24 का इसमें डिफरेंस है, कितना है? 24, कितना डिफरेंस है बच्चों? 24 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट स्पोर्ट मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, मैनी स्टूडेंट टुक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स और इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन लाया है तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है होज लॉन्ग जंप इज क्लोज टू 6 मीटर। लॉन्ग जंप 6 मीटर के क्लोज किसकी थी, 6 मीटर के क्लोज थी इसकी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में से, तो सोनिया की थी। किसकी थी, सोनिया की, सोनिया लिख देंगे आप आंसर में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ बॉय एंड गर्ल, डिफरेंस क्या था लॉन्गेस्ट जंप बॉय और गर्ल की में, तो इनको हम कर देंगे माइनस, जीरो में से जीरो गया, देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, फोर में से 18 जैसे तो वहाँ से कह लिया, 14 में से 8 गया 8 बच जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, तो 80 मीटर का डिफरेंस है, 80 मीटर का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप में डिफरेंस 7 मीटर, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 नहीं जा सकता, इधर बच जाएगा 8, ठीक है। कितना बच जाएगा बच्चों, 8 नहीं सॉरी, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर एक्चुअली में जीरो में से, इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर गलत है, ठीक है। सी का आंसर एक बार रीचेक कर लीजिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 60 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप, तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे आएगा 8, एंड देन 6 में से 5 गया 1, 180 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस है, 180 मीटर का यहाँ पे क्या है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई जंप ऑफ सोनिया एंड रितु, जो हाई जंप है उसमें सोनिया और रितु जो हैं, हाई जंप में सोनिया एंड रितु, सोनिया ये गलत है इसमें ना, यहाँ पे हाई जंप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लॉन्ग जंप, यहाँ पे हाई नहीं लॉन्ग जंप आएगा, सोनिया और रितु यहाँ पे, क्योंकि तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का जो हम करते, तो 0 में से 0 गया 0, फिर 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। तो 40 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस बचता है, 40 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। पिछली बार हमने किया था ये, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था मैथमेटिक्स का, आज सेकंड कर लिया है, इस चैप्टर की हमने वर्कशीट कर ली है, तो अब चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट में डालने वाला हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में डालें कि मतलब वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।